हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश मिश्रा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9th, इवन दो क्लास 12, क्लास 11th ऑल्सो। द इन बायोलॉजी एज यू ऑल नोन देयर आर डिफरेंट मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज आर फाउंड इन एनिमल्स बॉडी, बट दे कैन बी कैटेगराइज इन ओनली फोर पार्ट्स, द एपिथिलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, connecting tissues and nervous tissues. In this video lecture, I will describe you the different kinds of muscular tissues. Now back to whiteboard in order to understand the concept of the muscular tissues. Now the muscular tissues. Actually, as per name muscular tissue, it is related to the muscles of our body. It means it form the different kinds of muscles in our body. Let I will describe you what are the different types of muscles tissues. Point one, skeletal muscular tissues. It is sometimes known as stripped muscular tissues, and it is also known as voluntary muscular tissues. Skeletal muscular tissues means the tissue or muscles tissues that linked with one bone to another bone. It means it is related to the skeletal system, but it is not a part of the skeletal system. It is just near to the bones and help to attach the one bone to another bones, and it is responsible for the movements in our body. Later I will describe the structure. Now the second one is the smooth muscles fiber. The skeletal muscular tissues or smooth muscular tissues, it is known as unstripped muscular tissues, and it is involuntary in nature. Involuntary means the tissue that cannot move, that cannot governs as the action as per according our body. मतलब हम चाहेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, जैसे स्टमक का, इंटेस्टाइन का, एक्सेट्रा. थर्ड वन इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज. नाउ कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज इज एक्चुअली associated with our cardiac, means our heart system. Now I will describe you the skeletal or stripped or voluntary muscular tissues. Skeletal muscular tissues, listen carefully, it help to link bone. It means all our bones are linked with each other through the skeletal muscular tissues. It is voluntary, means it can be moved as according to our demand, as according to our action. It is linearly arranged. ये कैसे अरेंज होते हैं? Linearly arranged होते हैं. डायग्राम में इसको बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. ये linearly arranged होते हैं, यहां पे डायग्राम में बना दे रहा हूं. आप अच्छे से डायग्राम बना लेंगे ताकि समझ में आ जाए आपको. डायग्राम आप थोड़ा सा हल्के में ही बनाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. ये ढेर सारे मस्कुलर टिश्यूज नहीं बना रहे, टाइम नहीं है, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए यहाँ पे आप चाहे तो कई लेयर बना सकते हैं. यहाँ पे दो ही तीन लेयर बनाए हैं, बीच बीच में न्यूक्लियस होता है, ये तो आप जानते ही हैं. सेल्स हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. सो द डायग्राम यू कैन सी इज एक्चुअली द डायग्राम ऑफ स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज. Now back to the labeling. This is the single myofibril, and this is the stretches. It means जब ये तो स्ट्रेचेबल होता है, इसको भी आप इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं. जब खींचता है तो उसके बीच में स्पेस बस बढ़ जाता है. That is known as stretch, and this is the न्यूक्लियस.
दीज आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो लिनियरली अरेंज होता है, आगे लिख लो कॉपी में, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, स्ट्रेचेबल होता है, सेल्स जो है पूरी तरह से फ्यूज नहीं होते हैं, ये भी एक फीचर्स है, सेल्स आर नॉट प्रॉपरली फ्यूज्ड, ये इसका स्पेशल फीचर्स होता है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। सो दीज आर द डिफरेंट, दीज आर द डिफरेंट फाइबर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स विच कलेक्टिवली फॉर्म द सिंगल स्केलेटल मसल्स। द बेसिक की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मसल्स इज दीज आर लिंक्ड, दीज आर हेल्प टू लिंक द बोन्स, दीज आर वॉलेंट्री इन नेचर, लिनियरली अरेंज्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेल्स आर नॉट प्रॉपरली फ्यूज। यहाँ पे फ्यूजन आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, ठीक है, आप अगर नॉनवेज लेते हैं, खाते हैं, तो ये फाइबर्स आपके दांतों में अक्सर फंसते रहते हैं, ठीक है, बोन्स में चिपके रहते हैं, दैट इज स्केलेटल मसल्स, इट इज कॉमन इन ऑल काइंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। नाउ बैक टू द स्मूथ मसल फाइबर, द स्मूथ मसल फाइबर, सेकेंड स्मूथ मसल फाइबर्स, इट इज अनस्ट्रिप्ड एंड इनवॉलेंट्री इन नेचर, अनस्ट्रिप्ड एंड इनवॉलेंट्री इन नेचर, पहला इसका फीचर यही हो जाएगा, इट इज इनवॉलेंट्री, ठीक है, स्मूथ होता है, स्मूथ, ठीक, फ्लेक्सीबल स्मूथ, और इसका अरेंजमेंट इररेगुलर होता है, इररेगुलर एंड हैविंग द टैपरिंग एंड, हैविंग द टैपरिंग एंड, जो एंड होगा इसका टैपरिंग होगा, अभी ये डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं ताकि आप समझ सकें। देखिए एक सिंगल फाइबर्स जो दिख रहा है, इट इज द सिंगल स्मूथ मसल्स, एक दूसरा फाइबर इसी में हेल्ड होगा, थर्ड वन इसी में हेल्ड हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे फाइबर्स आपस में लिंक होकर के एक क्या बनाएंगे, स्मूथ मसल फाइबर का एक ग्रुप बना लेंगे, और ये बॉडी के किसी इनवॉलेंट्री पार्ट्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो पार्ट है उस जानना ही है, दीज आर द टैपरिंग एंड, टैपरिंग एंड, लिसन केयरफुली, एंड दिस वन इज द सेल जंक्शन, सेल जंक्शन, एंड दिस इज द सिंगल मायोफाइब्रिल, सिंगल मायोफाइब्रिल्स, एंड दिस इज द न्यूक्लियस, एंड दीज होल स्ट्रक्चर आर फाउंड इन दोज पार्ट वेयर इनवॉलेंट्री फंक्शंस आर ऑकर्स, इनवॉलेंट्री फंक्शंस जिसपे जो हमारी बॉडी गवर्न्स ना करती है, जो हमारे बॉडी का इनवॉलेंट्री जिसपे हम अपना एक्शन नहीं कर सकते, जैसे आप अपने इंटेस्टाइनल पार्ट को नहीं हिला सकते तो वहां पे इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, यानी कि वहां पे स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, आप अपने हार्ट को अपने से नहीं हिला सकते लेकिन वो इनवॉलेंट्री कार्डियक टाइप होता है, तो ये हमारा क्या है, इनवॉलेंट्री पार्ट है, ठीक है, इनवॉलेंट्री बॉडी का पार्ट होता है। एक बार रिकैप कर दे रहे हैं, इट इज इनवॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ, इररेगुलर, देखिए इररेगुलरली अरेंज है, टैपरिंग एंड, यहाँ पे देखिए ये एंड और ये एंड बिल्कुल टैपरिंग है, टेप मतलब थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ये टैपरिंग एंड इसका कॉमन फीचर्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नाउ बैक टू द कार्डियक मसल फाइबर, नाउ थर्ड वन इज कार्डियक मसल, एक्चुअली कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, यू आर वेल फेमिलियर विद द वर्ड कार्डियोलॉजिस्ट, दैट इज रिलेटेड टू द डॉक्टर ऑफ हार्ट, सो कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियक इज रिलेटेड टू द हार्ट, सो इट इज एक्चुअली नोन एज द हार्ट मसल्स, इट फाउंड इन हार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मसल्स दैट फाउंड इन हार्ट इज एक्चुअली द हार्ट मसल्स, एंड इट इज नॉट फाउंड इन अदर पार्ट, इट इज नॉट फाउंड इन अदर पार्ट ऑफ बॉडी, सिर्फ ये हार्ट में होते हैं, और ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हम चाहेंगे तभी नहीं चलेगा, इनवॉलेंट्री ये भी होते हैं और स्मूथ भी इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, ये हमारे कमांड पे नहीं चलते हैं। इसका डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, हालांकि बनेगा बिल्कुल
स्केलेटल की तरह से, लेकिन इसमें फ्यूजन होता है, सेल का फ्यूजन इसमें देखने को मिलता है। यहां से आप समझ सकते हैं इसमें सेल्स के फ्यूजन देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। और यहां पे इंटरकैलेटेड डिस्क इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, दैट इज नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क। डायग्राम आप बिल्कुल एक झटके में बना सकते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बायोलॉजी में डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि सेल्स में न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसकी लेबलिंग कर दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं इसको। ये जो दिख रहा है ये पार्ट, इसको बोलते हैं सेल जंक्शन, सेल जंक्शन, जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क भी बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन ऑफ सिग्नल्स का काम करते हैं, यानी इसका सिग्नल्स इसमें ट्रांसफर करते हैं। ये आप एग्जाम, ये आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। और ये क्या है इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। ये कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं तो कभी कभी यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, मे बी मल्टी और मे बी यूनि न्यूक्लिएटेड। और ये इसका क्या है सिंगल मायोफाइब्रिल, सिंगल मायो फाइब्रिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनि न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। दीज आर सम मस्कुलर टिश्यूज, दैट इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, द स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज एंड स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज। आई होप योर डायग्राम इज नीट एंड क्लीन, योर डायग्राम मस्ट बी नीट एंड क्लीन इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू द कनेक्टिव टिश्यूज। इन दिस वीडियो लेक्चर यू हैव स्टडीड अबाउट द मस्कुलर टिश्यूज। थैंक यू।